आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर बिहार के अंदर सियासत गर्म है। बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसमें कई नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। वहीं इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी सनातन धर्म को लेकर चलती है, तो उनको जाना ही चाहिए। वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि लालू प्रसाद यादव खुद को कृष्ण के वंशज कहते हैं, तो उनको भी जाना चाहिए। वही बंगाल में हुए ईडी के अधिकारी पर हमले पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण, अगर बिहार में इस तरीके की होती है तो यह लालू और तेजस्वी राज का कल्पना ही कर सकते हैं। हम तो ऐसे सनातन धर्म के लोग हैं जो दुनिया में जो लुटेरे आए थे उसका भी सम्मान, मुगल जो लुटेरे आए, मोहम्मद गजनी लूटने आया था हिंदुस्तान, और मुगल लूटने आए थे तब भी हमने सम्मान किया और अपनाया। अंग्रेज आए उसको भी अपनाया। आज 450 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर स्थापित हो रहे हैं। मैं सबका स्वागत करूंगा कि सब पूजा करने आए, और सबके पूर्वज प्रभु श्री राम ही हैं। जो बोल रहे इस तरह का बयान, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि उनके पूर्वज श्री राम ही हैं। ईडी पर हमला हुआ, बिहार में भी हो सकता है क्या? तेजस्वी जताई जा रही है जिस तरीके से तेजस्वी पर भी मामला, बिहार में लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है, अपराधियों के प्रतीक है, तो कुछ भी हो सकता है। सर, नीतीश कुमार जी को लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर का न्योता आरंभ से